बातें करते हैं हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के अंदर। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट विद हु एंड होम। अब देखिए इसमें पैटर्न दिया हुआ है कि एक्टिव यदि इस तरीके से है हु प्लस वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, तो उसका हम पैसिव किस तरीके से बनाएंगे पैटर्न के अकॉर्डिंग। हु को हम चेंज करेंगे बाय हु में, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लाएंगे पहले, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इस तरीके से हम हु से बनने वाले सेंटेंस को बाय हु में चेंज कर करके एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। अब देखिए बातें करते हैं कि यदि हु से हु ही रखना है तो डिफरेंस क्या है। डिफरेंस यह है कि यहाँ पर बाय पहले था, यहाँ हु ही रहेगा। एक सब्जेक्टिव केस हु होता है, ऑब्जेक्टिव केस होम होता है, इसलिए इसको यहाँ पर हु ही रखेंगे और यहाँ पर बाय रखेंगे, लास्ट में बाय रख देंगे। पैटर्न वही है कि हु हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट वर्ब थ्री एंड बाय। इस तरीके से हु से भी हम बना सकते हैं। देखो किस तरीके से, यदि मैं पैटर्न फर्स्ट लेता हूं तो हु को बाय हु में चेंज करूंगा, बाय हुम हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगा अकॉर्डिंग टू टेंस। यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, जब सेकंड फॉर्म दी हुई है तो इसको हम चेंज करेंगे वाज या वर में, तो हम देखेंगे ऑब्जेक्ट द पेन को। अब देखो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम चेंज करेंगे कि स्टोल को हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द पेन, हु बाय हुम वाज द पेन स्टोलन। इस तरीके से बनाएंगे। देखो बाय हुम हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट द पेन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए यदि मैं हु से बनाता हूं तो इसको इस तरीके से बनाएंगे, हु हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वाज द पेन थर्ड फॉर्म स्टोलन बाय, और इस तरीके से हम हु से बना सकते हैं। डिफरेंस क्या है कि बाय हुम और हु में, हु से यदि बनाएंगे तो लास्ट में प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग होगा, और यदि हुम से बनाएंगे तो बाय हुम स्टार्टिंग में आएगा। नेक्स्ट हम बातें करते हैं पैटर्न सेकंड हुम से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस की। यदि हुम से स्टार्ट है तो उसे हम हु में चेंज करेंगे। एक्टिव क्या होगा, हुम हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट इन वर्ब, इस तरीके से होगा। अब इसका हम किस तरीके से पैटर्न के अकॉर्डिंग यहां पर पैसिव बनाएंगे, तो हुम को हु में चेंज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाय और सब्जेक्ट इस तरीके से बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जैसे ये ऑब्जेक्ट ही कहलाता है, होम डिड यू सजेस्ट, तो ये ऑब्जेक्ट होता है अपने आप में, तो होम को हमने चेंज किया सब्जेक्ट हु में, हु वाज अकॉर्डिंग टू डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, तो हु वाज सजेस्टेड बाय यू, इस तरीके से बनाएंगे। देखो यहां पर हम देख सकते हैं हु हेल्पिंग वर्ब वाज हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई और बाय प्लस सब्जेक्ट हो गया, एकदम सही है। अब देखिए नेक्स्ट हम और बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, बाय हुम को हमने चेंज किया हु में, हु वाज वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन देयर बाय यू, और इस तरीके से बना सकते हैं। अब हम बातें करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस को किस तरीके से एक्टिव से पैसिव बनाया जाए। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस, कि इम्पेरेटिव सेंटेंस होता क्या है। इम्पेरेटिव जो सेंटेंस होता है वह है जिसके अंदर सेंस होता है ऑर्डर रिक्वेस्ट, जिनके अंदर कमांड या एडवाइस का सेंस होता है। मोस्टली सच टाइप ऑफ सेंटेंस स्टार्ट विद वी वन अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, और इनमें कोई भी जनरली सब्जेक्ट नहीं होता है। देखो इनको यदि हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो इनके दो पैटर्न दिए हुए हैं। फर्स्ट है कि सेंटेंस लेट से स्टार्ट करेंगे, देन ऑब्जेक्ट लगाएंगे, देन बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस तरीके से बनाएंगे। नेक्स्ट इनका जो पैटर्न है अकॉर्डिंग टू सेंस, सेंस के अकॉर्डिंग जो सेंस सेंटेंस में होगा उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे।
यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर फॉरबिड टू। जनरली फॉरबिड हम तब लगाते हैं जब सेंटेंस डोंट से स्टार्ट हो। अब देखिए इसके अंदर यू आर कमांडेड टू, जो सेंस होगा सेंटेंस का वही हम यहां पर यूज करेंगे फॉर्मूला। देखिए हम लेट से बनाते हैं कि इसके अंदर ये वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब देखिए पैटर्न क्या कहता है, लेट लगाओ पैसिव बनाने के लिए, एक्टिव है पैसिव, लेट ऑब्जेक्ट लगाओ द डोर, देन बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन। इस तरीके से हम एक्टिव से पैसिव का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट सेकंड पैटर्न से बनाते हैं, इसका जो सेंस है ऑर्डर का है तो हम यूज करेंगे यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू, जैसा भी सेंटेंस है उसको हम ऐड कर देंगे ओपन द डोर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे कि ये इसमें रिक्वेस्ट का सेंस है, पहले लेट वाले से बनाते हैं, लेट ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट और ये एडवर्ब। देखिए लेट दिस लेटर बी वर्ब की थर्ड फॉर्म पोस्टेड अकॉर्डिंग टू पैटर्न प्लीज। नेक्स्ट यदि हम बनाते हैं रिक्वेस्ट से, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर। अब देखिए ये प्लीज मर्ज हो जाएगा रिक्वेस्ट के अंदर, इसलिए प्लीज हम इसमें नहीं लगाएंगे, लेट वाले में लगाएंगे लेकिन इसमें नहीं लगाएंगे सेकंड पैटर्न में। देखिए नेक्स्ट है डोंट से स्टार्ट है, पैसिव बनाना है, फॉरबिड से यूज कर सकते हैं, यू आर फॉरबिड टू, जैसे हम फॉरबिड शुरू करेंगे तो ये डोंट कंप्लीट हट जाएगा, यू आर फॉरबिड टू मेक अ नॉइस। यदि हमें इसको लेट से बनाना है तो लेट ऑब्जेक्ट देखेंगे, देखिए ये वर्ब है ये ऑब्जेक्ट है, लेट ए नॉइस नॉट बी मेड, इस तरीके से होगा कि डू हट जाएगा, नॉट लगाना है, नॉट ऑलवेज बी से पूर्व लगाएंगे तो सेंटेंस बना लेट ए नॉइस नॉट बी मेड। अब सेकंड टाइप और हम ऑर्डर से बनाना चाहें तो ये ऐसे भी बन सकता है, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू। नेगेटिव जो वर्ड्स हैं जैसे कि नेवर यदि यूज हुआ है, यदि नॉट यूज हुआ है तो हम उनको टू से पहले लगाएंगे, यू आर ऑर्डर नॉट टू मेक अ नॉइस, इस तरीके से। जो भी आपको एग्जाम में इजी लगे या ऑप्शन में मिले उसके अकॉर्डिंग हम आंसर दे सकते हैं।